अय्यूब के विषय में यहां पर हम इस बात को पाते हैं. वी फाइंड द प्रॉफिट जोब प्रोफेसाइंग बाय फेथ, आई नो. और यहां पर इस वचन में हम इस बात को देखते हैं कि अय्यूब विश्वास के साथ इस बात को कहता है कि मैं जानता हूं. आई नो, मैं इस बात को जानता हूं. मेरे पीछे बोलिए, मैं जानता हूं. और केवल जानता हूं नहीं, ये जो जानता हूं ये अलग है. मुझे निश्चय है, ये बोलिए, मुझे निश्चय है. आपको किस बात का निश्चय है? कैसे मालूम? आपने बोल दिया मैंने मान लिया. आपके कहने से मैं क्यों मानूं? आप कहते हो मैं विश्वास करता हूं, आपके कहने से क्या हो गया? आपके कहने से केवल काम नहीं चलेगा. आप कह रहे हो एक निश्चय है. यू आर सेइंग आई नो. हाउ डू आई नो दैट यू नो? और आप तो इस बात को आज की सुबह कह रहे हैं कि मैं निश्चय ही जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, लेकिन मैं इस बात को कैसे जानूं? दैट यू नो, कि आपको सच में यह पता है जो आप कह रहे हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द स्टेटमेंट विद अ सर्टेन कन्विक्शन. और ये बहुत जरूरी है जिस बात को हम इस दोपहर को बोल रहे हैं एक विश्वास के साथ, इसको हम बोलें और समझें एक निश्चय के साथ. आई नो, मुझे निश्चय है. मुझे तो निश्चय है. आई नो, मुझे तो निश्चय है. यू शुड से इट विद अ कन्विक्शन, एक निश्चय के साथ, एक पूरे विश्वास के साथ. जस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो वी Remembered the death of Jesus Christ on the cross. कुछ दिन पहले हमने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद किया था, जो कि उसने क्रूस पर अपने जीवन को दिया. We remembered the suffering on the cross. हमने इस बात को याद किया किस प्रकार उसने उस क्रूस पर दुखों को उठाया. We remembered how he died on the cross. और हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार उसने क्रूस पर अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया. And then he was buried. और उसके बाद उसे दफनाया गया. 2 days ago on Good Friday, this is what we remembered. और 2 दिन पहले गुड फ्राइडे के दिन हमने इस बात को याद किया था. When we talk about the crucifixion of Jesus, जब हम यीशु के क्रूस पर चढ़ाने की बात को करते हैं, there are certain characters, certain players in this drama who come to our mind. कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जब हम इस बारे में बात करते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं. Who are these key players? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जब हम यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के लेकर के बात करते हैं, आपके दिमाग में इन लोगों के बारे में आता है? पिलातुस. पिलातुस. Okay. यहूदा. यस. पत्रस. हु एल्स? याजक, मंदिर के याजक, मंदिर के सिपाही, बरब्बा, 2 डाकू यीशु के अगल बगल में, वो सिपाही जो यीशु को पकड़ने आए थे. यस. डू दीज कैरेक्टर्स कम टू योर माइंड? क्या ये व्यक्ति आपके दिमाग में आते हैं? आप लोग क्या देख रहे हैं? वहां कुछ हो रहा है. मैंने शुरू में कहा था कुछ जवाब दीजिए, कुछ रिस्पॉन्स दीजिए, हाँ और आमीन में, या जब कुछ पूछे तो आप कुछ बोलिए. व्हाट अदर कैरेक्टर्स कम टू योर माइंड? कौन से और ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपके दिमाग में आता है जब हम यीशु के क्रूस पर चढ़ाने को बात करते हैं? यीशु की माता, रोमी सेना, रोमी सिपाही, क्योंकि मंदिर के सिपाही, द टेम्पल सोल्जर्स वर डिफरेंट फ्रॉम द रोमन सोल्जर्स. और जो मंदिर के सिपाही थे वो रोमियों के जो सिपाही थे उनसे अलग थे. सो बोथ सेट्स ऑफ सोल्जर्स वर इन्वॉल्वड इन दिस बिग ड्रामा. दोनों ही सिपाही दोनों ही जगहों से, दोनों ही समूह से वहां पर मौजूद थे. बट देन यू नो द ट्रूथ इज दैट दीज वर नॉट द की प्लेयर्स इन दिस एंटायर एपिसोड. लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये व्यक्ति विशेष नहीं है. Of course, Jesus was or is the key person. ये बात तो सच है कि यीशु मसीह ही सबसे विशेष है. But then, along with him, there is another set that is playing a vital role in this entire episode. लेकिन उस यीशु के साथ साथ एक ऐसा समूह भी है जो इस पूरे सभा में, इस पूरे बात में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को दर्शाता और दिखाता है. I want to paint a picture for you. मैं आपके लिए एक चित्र बनाना चाहता हूं. Imagine with me.
सोचिए मेरे साथ. From the time that Adam and Eve fell from grace. उस समय जब आदम और हव्वा परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गए. There is a line that was drawn down through the ages. और एक ऐसी लाइन को खींच दिया गया जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है. There is a line on which the cross stands. और एक ऐसी लाइन एक ऐसी रेखा जिस पर क्रूस खड़ा है. On one side of the line stands Satan along with his demons. और रेखा के एक तरफ शैतान अपने लोगों के संग खड़ा है. शैतानों के संग लोगों के संग नहीं. And on the other side stands the angels along with Jesus. और रेखा के दूसरी ओर परमेश्वर के स्वर्गदूत खड़े हैं. This line is a meeting line for a battle that is about to take place. और ये जो रेखा है एक ऐसी रेखा है जहां पर ये दोनों समूह आपस में एक लड़ाई को लड़ रहे हैं. And this line passes through Golgotha. और ये जो रेखा है ये गोलगथा नामक स्थान से होकर के निकलती है. Because it was there that the cross was planted. क्योंकि ये वही स्थान है जहां पर क्रूस को गाड़ा गया था. And Satan and Jesus came and they met. और शैतान और यीशु ने एक दूसरे से भेंट किया. And this is the time when the fight is about to begin. और ये वही समय है जब वो लड़ाई शुरू होने को थी. Imagine a boxing ring. सोचिए एक ऐसा रिंग जिसमें लड़ाई या बॉक्सिंग हो रही हो. And two opponents are going to be facing off each other. और दो ऐसे व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे. But the only difference is in boxing it's a sport, but this is for real. लेकिन सिर्फ एक ऐसी बात है जो इन चीजों को भिन्न करती है वो है कि बॉक्सिंग जो है एक खेल खुद है लेकिन ये जो है एक सच की लड़ाई है. The fight begins. और लड़ाई शुरू होती है. Both sides, the crowds begin to cheer. और दोनों तरफ जो लोग हैं वो चिल्लाना शुरू करते हैं. The demons are screaming out for Satan. और जो शैतान है वो शैतान के लिए चिल्लाना शुरू कर रहे हैं. And the angels are supporting and they are supporting Jesus. और जो स्वर्गदूत है वो यीशु के लिए चिल्ला रहे हैं. And this battle is so intense. और इनके बीच ये लड़ाई गहन होती जा रही है. The earth itself shook. ताकि जो पृथ्वी है ये भी हिल रही है. And the sun just refused to shine. और जो सूर्य है उसने उजाला देने से मना कर दिया. Because in the balance hangs the Son of God. क्योंकि बीच में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है. The fight is going on. और ये लड़ाई चल रही है. Satan is punching Jesus and Jesus is punching Satan. और जो शैतान है वो यीशु को घुसा मार रहा है और यीशु शैतान को घुसा मार रहे हैं. In the process, marks appear on Jesus' body. और इसके दरमियान यीशु के बदन पर वो चिन्ह दुखने शुरू हो जाते हैं. निशान. Just as Satan strikes him on the head, his head begins to bleed. और जैसे ही शैतान यीशु के सर पर मारता है उसके सर से खून बहने लगता है. Satan strikes his hands and his feet and they begin to bleed. और उसके पैर उसके हाथों को मारता है तो उससे भी खून निकलना शुरू हो जाता है. Satan strikes his back and his back begins to bleed. और यीशु के पीठ पर भी वो वार करता है और उसकी पीठ से भी खून निकलने लगता है. Satan strikes Jesus' side and his side begins to bleed. और यीशु के साइड पर भी मारता है कोने पर भी वहां से भी खून निकलने लगता है. From head to toe, every part of his body, you could see that Satan was effective in delivering blows to Jesus. और सर से लेके पांव तक हम इस बात को देखते हैं किस प्रकार शैतान ने यीशु को मारा जगह जगह और किस प्रकार से उसका लहू बहा. Why was this fight happening? ये लड़ाई क्यों हो रही थी? Do you know? क्या आपको पता है? Why were they fighting? ये दोनों पक्ष क्यों लड़ रहे थे? They were fighting for a prize. वो तो एक पुरस्कार के लिए लड़ रहे थे. एक इनाम के लिए. And you know what that prize was? और आपको पता है वो इनाम क्या था? आपके लिए वो लड़ रहे थे. They were fighting for you. They were fighting for your soul. और यीशु मसीह तो आपके लिए और आपकी आत्मा के लिए लड़ रहा था. Because the soul will go to the winner.
क्योंकि ये जो आत्मा है ये जीतने वाले के पास जाएगी. So they were fighting. इसीलिए इन दोनों पक्षों के बीच में गहन लड़ाई थी. They were fighting to win the prize. और वो दोनों लड़ रहे थे ताकि इनाम को जीत सकें. And they were fighting with each other, exchanging blows. और वो एक दूसरे से लड़ रहे थे और वार कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर. But while it seemed that Satan was winning, the truth was that actually it was Jesus who was winning. जबकि ऐसा दिखने लग रहा था कि शैतान जो है जीत रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि यीशु जीत रहा है. Because then Jesus delivered one final blow. लेकिन जब यीशु ने अपना आखिरी वार किया, he punched Satan so fiercely, he declared, "It is finished." और क्योंकि यीशु ने जब अपना अंतिम वार किया, उसने इस बात की घोषणा करी कि सब कुछ खत्म हो गया. सब कुछ खत्म हो गया. मेरे पीछे बोलिए, सब कुछ खत्म हो गया. ऐसे लिखा है, पूरा हुआ. Yeah, sorry, पूरा हुआ. You should know. पूरा हुआ. क्या पूरा हुआ? The work of the cross was completed. क्या किस बात को हम पूरा हुआ देखते हैं कि क्रूस का जो काम था वो पूरा हो गया. So Jesus declared, "It is finished." इसीलिए यीशु ने कहा कि ये सब कुछ पूरा हो गया. Hallelujah. The battle is over. ये लड़ाई खत्म हो गई. It is finished. ये खत्म हो गई. And Jesus has won. और यीशु जीत गया. He won over sin. वो उसने पाप के ऊपर जय पाई. He won over curse. और उसने उन श्रापों के ऊपर जय पाई. He won over death. उसने मृत्यु के ऊपर जय पाई. He won over condemnation. उसने दोष के ऊपर जय पाई. He won over sicknesses. उसने बीमारियों के ऊपर जय पाई. He won over diseases. उसने रोगों के ऊपर जय पाई. He won over chains. उसने बेड़ियों के ऊपर जय पाई. He won it all. उसने सब कुछ बातों पर विजय पा ली. You see, the cross was not a place of defeat as some people think. हम इस बात को समझे, ये क्रूस था एक ऐसा स्थान नहीं जहां पर हार मिली, लेकिन एक ऐसा स्थान जहां हमने जय पाई. There is victory. और जय को देखते हैं. That is why if anyone comes to the cross, इसीलिए जो कोई उस क्रूस की ओर आता है, they find deliverance and freedom from the curse of sin at the cross. इसीलिए वो आजादी और उस उद्धार को पाते हैं अपने पापों से. It is the cross that sets them free. ये वो क्रूस है जो उन्हें आजाद करता है. Because Jesus has rescued them from the clutches of the enemy. क्योंकि यीशु ने उन्हें पापों के बोझ से बचा लिया है. And he brought them from darkness into his light. और यीशु ने उन्हें अंधकार से लेकर अपनी अद्भुत ज्योति में ले आया है. Hallelujah. 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 Now while he died, और जब वो मरा, it seemed like he died. ऐसा लगता है कि वो मर गया. And Satan is still alive. और जो शैतान है वो तो जीवित है. But you know, लेकिन आप जानते हैं, while he may have died physically, जबकि हो सकता है यीशु शारीरिक रूप से मर चुका है, something else was happening. लेकिन कुछ और हो रहा था. I need a mic stand. You see, after they crucified Jesus, Satan was wanting to celebrate. और जब उन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया तो शैतान तो हर्ष और उल्लास मनाना चाहता था. They wanted to have a party. और वो तो एक पार्टी को करना चाहते थे. So Satan gave orders to all his deputies, organize a party. We are going to have fun. और शैतान ने अपने लोगों, अपने जो उसके दूत थे या उसके शैतान लोग थे, उनसे कहा कि एक पार्टी को तुम रखो. So go and order all these bottles. और ये सारी जो बोतलें हैं इनका ऑर्डर करो. And give a bottle to everybody. और सबको एक एक बोतल दे दो. Bottles of what? किस किन की बोतलें? Take some names. Johnny Walker. Bacardi. Yes. What are the names? What are the bottles? और कौन से नाम है आपको पता है? RC Roman Catholic or Royal Challenge? Royal Challenge. Yeah, this was the best time because there was a royal challenge and Satan won the challenge. और ये तो अच्छी बात है क्योंकि एक राजकीय चुनौती चल रही थी. So that night, Friday night when Jesus died, they had a party. और इस रात को जब यीशु को उस क्रूस पर चढ़ाया गया और उसकी मृत्यु हो गई तो शैतान अपने लोगों के संघर्ष और उल्लास मनाने लगा. All the demons were dancing and they were having fun. सारे शैतान एक साथ हर्ष उल्लास मना के नाच रहे थे. They said, "Oh, बल्ले बल्ले, Jesus has died." और वो लोग नाच के हर्ष उल्लास मना रहे थे कि यीशु मर चुका है. But you know, Satan himself, लेकिन शैतान के अंदर खुद, he was very restless. उसके अंदर बेचैनी थी. He was restless. वो बेचैन था. And he didn't know why. और उसको खुद नहीं पता था क्यों. So, you know, he was very restless. So,
He decided to do something. क्योंकि वो बेचैन था तो उसने निश्चय किया कि वो एक बात को करेगा. He took his crooked finger. उसने अपनी बुरी उंगली को लिया. टेढ़ी मेढ़ी उंगली ना. And he dialed the phone on his bed. और अपने उस बिस्तर पे लेटे हुए उसने फोन को घुमाया. And who did he call? उसने किसको कॉल मिलाया? He called the grave. उसने उस कब्र को कॉल मिलाया. Grave, you know the grave? कब्र. He called the कब्र. कब्र को फोन मिलाया. And he said, "Hey, grave." और उसने कहा कि hey, कब्र. How's it going? ये सब कैसा चल रहा है? So grave said, "Arey, what, yaar? Go and enjoy. Why are you calling me? Go and have fun." और कब्र कहती है कि क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो? जाओ हर्ष उल्लास मनाओ. So grave says, "You know what? I'm feeling uneasy." और शैतान क्या कहता है उस कब्र से कि अरे मेरे अंदर बहुत बेचैन हो रहा हूं मैं. He says, "Is Jesus still in the grave?" वो पूछता है कब्र से कि क्या यीशु अभी भी कब्र में है या नहीं. So grave said, "Haan, haan, he's there. Why are you worrying?" कब्र कहती है अरे हाँ भाई तुम क्यों चिंता कर रहे हो अभी भी कब्र में है. Go drown yourself in your drinks. और वो कहता है जाओ तुम शराब पी करके लेट जाओ. डूबो. डूब जाओ. But don't disturb me. मुझे परेशान मत करो. So Satan keeps the phone down. इसलिए शैतान उस फोन को नीचे रख देता. There's a lot of screaming and partying going on in the और बहुत हर्ष उल्लास और चिल्लाना और वो पार्टी चल रही है. But he's still restless. Satan is still restless. लेकिन फिर भी शैतान बेचैन है. So he calls up grave again. और वो फिर से कब्र को कॉल मिलाता है. Grave is very very you know irritated. He said, "What do you want?" और जो ये कब्र है बहुत परेशान हो जाती है, चिल्ला के कहती है तुम्हें क्या चाहिए. So he said, "Arey, yaar, I am still bahut bechain, you know. Tell me, is he still there?" और वो पूछता है शैतान कब्र से, अरे मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ, क्या यीशु सच में अभी तक कब्र में है या नहीं? So कब्र saying, "क्या यार, why are you worrying it? He's dead." और कब्र उसे कहती है, अरे शैतान कैसे इंसान हो, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, वो मर चुका है. He is there in the grave. अरे वो तो उस कब्र में है. Don't trouble me. अरे मुझे परेशान मत करो. Why are you so restless? अरे तुम क्यों इतने बेचैन हो? So Satan says, "I'll tell you why I'm restless." और शैतान कहता है, मैं बताता हूँ मैं क्यों बेचैन हूँ. You remember Lazarus? और आपको याद है वो लाजरुस? He says, "You remember when Lazarus was dead?" वो कब्र से कहता है, अरे तुम्हें याद है वो लाजरुस जो मर गया था? Jesus just went after 4 days. और यीशु तो 4 दिन बाद गया. And Jesus says, "Lazarus, come forth." और उसने कहता है ये लाजरस उठा. And boom, Lazarus was raised. और उसके बाद वो लाजरस खड़ा हो जाता है. And now, और अब, no, wait, now, अब this person, this fellow Jesus, और ये यीशु, he is more trouble for me. ये तो और परेशानी देने वाला व्यक्ति है. Lazarus was there 4 days. और लाजरस को तो 4 दिन में जिलाया. But he said he'll be dead only 3. और उसने कहा कि अब खुद तो वो 3 दिन बाद जीवित हो जाएगा. Only 3, वो 4 था, now 3. और उसको तो 4 दिन में, लेकिन खुद 3 दिन में. So that's why I'm restless. इसीलिए मैं बेचैन हूँ. So I want to know he's in the grave. अरे मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि क्या वो अभी भी कब्र में है? So grave says, "Arey, what nonsense you are talking! It seems that you were out in the earth sun too long. The heat has gone into your head. It is more hot than hell for you. That's why your mind is corrupted. You go to sleep. He's there." अरे और कब्र कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लगता है नर्क की जो गर्मी है तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गई है, जाकर थोड़ा आराम करो. Just leave me alone. और मुझे छोड़ दो अकेला. And I'll call you. और मैं तुमसे बात करूंगी बाद में. He couldn't complete his sentence. और कब्र है अपने बात को पूरा नहीं कर सकी. Because something was happening. क्योंकि कुछ हो रहा था. You know what was happening? आपको पता है क्या हो रहा था? Suddenly he saw Jesus. और उस कब्र ने देखा यीशु मसीह को. चौड़े होकर, he is entering into hell. और यीशु उस नर्क में जाता है. He entered into the halls of hell. और उस नर्क के फाटकों के अंदर जाता है. And he walks right up to Satan. और वो उस शैतान के पास जाता है. And he catches him by the collar. और उसको पीठे से उसके गिरेबान से पकड़ता है. And he said, "I told you, you are going to eat dust all the days of your life." और मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने जीवन भर उस मिट्टी को खाओगे. In the Garden of Eden. उस बगीचे में, ईदन की वाटिका में. That's exactly what you are going to be doing. और वही बात तुम करोगे. You are going to eat dust all the days of your life. अब अपने जीवन के पूरे दिन तुम उस मिट्टी को खाओगे. Let us take a little stroll. Let us take a stroll. आइए हम इस बात को देखें. Let's take a stroll. Okay. Stroll? Stroll. We're going to stroll. I don't know. आओ हम टहलने चले. Yes. आओ हम टहलने चले. Lord, anoint him to translate the way he should. Thank you. Amen.
Let's take a stroll and let's see what is happening. और आइए हम टहलने चले और देखें कि क्या होता है. By the way, you have something that belongs to me. और ये तुम इस बात को सुनो, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो मेरी है. You have a set of keys. तुम्हारे पास एक चाबियों का गुच्छा है. That does not belong to you. जो तुम्हें तुम्हारा नहीं है. It actually belongs to me. ये मेरा है. And you need to give me those keys. और तुम मुझे उन चाबियों को दे दो. These keys do not belong to you. ये चाबियां तुम्हारी नहीं है. What keys are these? ये चाबियां क्या है? Which keys are these? ये कौन सी चाबियां हैं? Come on, tell me. अधलोक की कुंजी और अरे शैतान के पास जीवन की कुंजी नहीं है भाई. Yes, मृत्यु की. अधलोक की कुंजी and मृत्यु की कुंजी. Jesus said, these keys were never yours and they will never be yours. ये चाबियां ना तेरी कभी थी और ना कभी होंगी. These keys belong to me. ये चाबियां मेरी हैं. And so now I am going to keep these keys. इसलिए अब ये चाबियां मैं रखूंगा. And we read in the Bible in second in Colossians chapter. Where are these guys? और कलुसियों के दूसरे अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं. Colossians chapter 2. दूसरा अध्याय कलुसियों की पत्री. I want Vinay to open that passage and I want you to read it loudly. Yeah. Colossians chapter 2. कलोसियों उसका दूसरा अध्याय 15वां वचन. If you have it, read verse 15. Read loudly. Stand up and turn around and read loudly. 15. उसने प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतार कर. Yes. क्या किया? अरे थोड़ा गर्व के साथ बोलिए ना. खुल्लम खुल्ला तमाशा. किसने किसका किया? यीशु ने शैतान के खुल्लम खुल्ला तमाशा किया. आप में से कुछ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है. आप लोग सो जाइए. जो जागे हुए हैं वो लोग जोर से बोले हालेलुया. खुल्लम खुल्ला तमाशा यीशु ने प्रधानताओं का और अधलोक के शक्तियों का किया उस दिन जब वो अधलोक में गया. खुल्लम खुल्ला तमाशा. और आगे क्या लिखा है? क्रूस के द्वारा. किसके द्वारा? क्रूस के द्वारा. इसीलिए हम कहते हैं हम यदि गर्व करते हैं तो उस क्रूस पर गर्व करते हैं, जैसे पौलुस ने कहा जहां पर यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे लिए और आपके लिए त्यागा ताकि हम और आप उसके कारण जयवंत हुए. हालेलुया. एंड देन देयर वाज अनदर थिंग दैट हैपेंड. और उसके बाद एक और बात हुई. ही स्नैच्ड द कीज from Satan. उसने शैतान से उन चाबियों को ले लिया. But the second thing that happened was this. जो दूसरी बात हुई वो ये थी. He released the souls of the righteous dead. उसने उस आत्माओं को ले लिया जो धर्मी लोगों की आत्माएं थीं. Who were these dead? ये कौन वो लोग थे जो मृत्यु जिनको मृत्यु आ गई थी? From Adam till Jesus. आदम से लेकर के यीशु के समय तक के लोग. All the righteous people. सारे धर्मी जन. Who had died. जो मर चुके थे. They were there. वो सब वहीं पर थे. Jesus released them. यीशु ने उन्हें आजाद किया. And he formed a procession. और उसने एक जलूस को बना लिया. He took out a procession. उसने एक जलूस को निकाला. That was from Sheol all the way to heaven. जो नरक से लेकर के स्वर्ग की ओर तक का था. I want you to read this with me in Ephesians. आइए हम इस बात को इफिसियों की पत्री में पढ़ें. Chapter 4. चौथा अध्याय. Again, Vinay, please stand and read. भाई विनय आप खड़े होकर के इस वचन को पढ़ दें. वर्स नंबर 8, इट सेज इसीलिए लिखा है. आठवां वचन. हाँ. वो ऊंचे पर चढ़ा. सब लोग बोलिए वो ऊंचे पर चढ़ा. वो ऊंचे पर चढ़ा. बंदियों को ले गया और मनुष्यों को दान दिया. ये कौन बंदी है? ये वो बंदी है जो उस स्थान पे बंधे हुए थे. उसे वो प्रोसेशन. ही टुक आउट अ प्रोसेशन एंड ही वाज ऑन हिज वे टू द फादर. और उन्होंने यीशु ने उन लोगों को आजाद किया और एक जलूस को निकाला और स्वर्ग की ओर बढ़ गया.
What was in this procession? और इस जलूस में क्या था? Two things. दो बातें. His own sacrifice. उसका खुद का बलिदान. His blood. उसका लहू. He was carrying his blood. वो अपने लहू को लेकर के बढ़ रहा था. Where was he taking his blood? अपने लहू को कहाँ ले जा रहा था? He was taking it to his father. अब परमेश्वर पिता के पास ले जा रहा था. Why was he taking it to his father? और क्यों पिता के पास ले जा रहा था? Because the blood sacrifice could only be passed if the father accepted it. क्योंकि वो लहू का बलिदान तभी माना जाएगा जब पिता उसे ग्रहण कर ले. And so he was taking that sacrifice. इसीलिए वो उस बलिदान को ले जा रहा था. And he was taking this procession. और इस जलूस को अपने संग ले जा रहा था. All the righteous people. सारे धर्मी जन. And he was taking them to the father. और वो सब को अपने साथ पिता की ओर ले जा रहा था. On the way. और उस रास्ते के बीच में. On the way. और उस रास्ते की ओर. आप लोग बोलिए रास्ते में. रास्ते में. कुछ हुआ? क्या हुआ? मरियम मिली. जीसस मेट मैरी. यीशु अब मरियम से मिला. इन द गार्डन. उस बगीचे में. एंड सो मैरी सॉ हिम. और मरियम ने उसे देखा. शी गॉट वेरी एक्साइटेड. और वो बहुत खुश हुई. एंड शी फेल एट हिज फीट. और उसके पैरों पर गिर गई. शी वांटेड टू टच हिज फीट. और वो उसके पैरों को छूना चाहती थी. व्हाट डिड जीसस से? लेकिन यीशु ने क्या कहा? What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? मुझे मत छुओ. बोलिए. Why did he say that? लेकिन यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे मत छुओ? Because he had the sacrifice. क्योंकि उसके हाथ में वो बलिदान था. If you remember the Levitical laws. और अगर हम पुराने नियम की जो व्यवस्था है उसको जाने. The Levitical law says. जो याजकों का नियम था वो ये कहता है. इफ अ प्रीस्ट इज कैरिंग अ सैक्रिफाइस. यदि कोई याजक एक बलिदान को ले जा रहा है. नो ह्यूमन बीइंग कैन टच द प्रीस्ट. उस याजक को कोई भी मनुष्य छू नहीं सकता. एंड नो वन कैन टच द सैक्रिफाइस. और उस बलिदान को भी नहीं छू सकता. इफ अ ह्यूमन बीइंग टचेस. क्योंकि अगर कोई मनुष्य उस बलिदान या याजक को छू ले. The sacrifice becomes defiled. तो वो जो बलिदान है वो अपवित्र हो जाता है. भ्रष्ट हो जाता है. So no human could touch the priest or the sacrifice. इसीलिए कोई भी मनुष्य उस बलिदान या याजक को छू नहीं सकता. That is why Jesus said, Mary, don't touch me. इसीलिए यीशु ने मरियम से कहा मुझे मत छू. I have the sacrifice. क्योंकि मेरे हाथों में वो बलिदान है. I go to the Father. मैं पिता के पास जा रहा हूँ. But I will come back. लेकिन मैं वापस आऊँगा. I will come back. मैं वापस आऊँगा. मैं वापस आऊँगा. Jesus said, मैं वापस आऊँगा. And so. Jesus goes up to heaven. और तब यीशु स्वर्ग में ऊपर जाता है. God is sitting on his throne. और परमेश्वर पिता अपने सिंहासन पर बैठे हैं. As soon as God sees Jesus. और जैसे ही पिता यीशु को देखते हैं. God stands up. परमेश्वर खड़े हो जाते हैं. His hands are open wide. और अपने हाथों को खोलते हैं. He says, "Come, my son." और वो कहते हैं, आ मेरे बेटे. My beloved son. मेरे सबसे प्यारे पुत्र. Come. आओ. And Jesus goes up and he says, "Father." और यीशु पिता के पास जाता और कहता है, पिता. Here is the sacrifice. ये वो बलिदान है. Here is my blood. ये मेरा लहू है. Please accept it. आप इसे ग्रहण करें. And so the father says. और इसलिए पिता कहते हैं. In you I am well pleased. कि मैं तुझ में बहुत प्रसन्न हूँ. In you I am well pleased. मैं तुझ में बहुत प्रसन्न हूँ. Your sacrifice is perfect. आप तेरा जो बलिदान है वो सिद्ध है. There is no impurity. उसमें कोई भी अपवित्र नहीं. It is pure. ये पवित्र है. It is righteous. ये धर्मी है. Therefore it is powerful. इसीलिए ये शक्तिशाली है. Come my son. आओ मेरे बेटे. Sit at my right hand. मेरे दाहिनी ओर बैठो. And the Bible says the और पवित्र शास्त्र बताता है. Father seated the son at his right hand. कि पिता ने बेटे को अपने दाहिनी ओर बैठा दिया. And that is when Jesus' statement is validated. It is finished. इसीलिए तब यीशु ने कहा कि ये सब कुछ पूरा हो गया. All of creation testifies to Jesus' resurrection. और इस पूरी बात की गवाही पूरी पृथ्वी और सृष्टि भी देती है कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ. Because on the third day it says Jesus burst forth in triumphant victory. क्योंकि ऐसा बताता है वचन कि तीसरे दिन उस कब्र से बाहर निकल आया मृत्यु पर जय पाकर. Life conquered death. और जीवन ने मृत्यु के ऊपर जय पा ली. The grave lost. और जो कब्र थी वो हार गई. Christ the Lord is risen. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा उठ खड़ा हुआ. Heaven and earth were testimony. और पृथ्वी और स्वर्ग दोनों इस बात की गवाही देते हैं. Even under the earth. क्योंकि इस पृथ्वी के नीचे भी. They also witnessed. उसने भी इस बात को देखा.
History cannot deny this great event. और इतिहास भी इस बात को बताता है. इनकार नहीं कर सकता. That the Lord is risen. ये परमेश्वर जिंदा हुआ. And this resurrection was made possible only by the creative and powerful agent, the Holy Spirit. और इस पुनरुत्थान का होने का कारण और इसको करने वाला सिर्फ वो पवित्र आत्मा है. The Holy Spirit is the life-giving agent. वो जो पवित्र आत्मा है वो जीवन देने वाला व्यक्ति है. Hallelujah. 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 The Father gave the Son. और पिता ने अपने पुत्र को दिया. The Son gave the Spirit. और पुत्र ने आत्मा को दिया. And the Spirit gives us life. और जो आत्मा है वो हमें जीवन देता है. And the life that the Spirit gives, we turn into love. और जो आत्मा हमें जीवन देता है उस जीवन को हम प्रेम में बदल देते हैं. Hallelujah. Hallelujah. From the depths of the grave. उस कब्र की गहराइयों से. To the heights of heaven. उस स्वर्ग की ऊंचाई तक. Jesus marched on. ओ यीशु ने जलूस को निकाला. And it says that for the next 40 days, Jesus appeared to his disciples time and again. और ये बताता है पवित्रशास्त्र कि 40 दिन तक यीशु अपने चेलों और कई लोगों को दिखा. There was much rejoicing in heaven. और उस स्वर्ग में भी बहुत आनंद और हर्ष था. Even on earth there was great rejoicing. और पृथ्वी पर भी बहुत हर्ष और उल्लास था. My friends, the death of Jesus can never be denied. और मेरे मित्रों परमेश्वर यीशु का मृत्यु कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता. The resurrection of Jesus cannot be denied. और परमेश्वर यीशु का पुनरुत्थान का भी इनकार नहीं किया जा सकता. He lives. वो जिंदा है. He lives. वो जिंदा है. He lives. वो जिंदा है. In the beginning I asked you this question. मैंने शुरुआत में आपसे इस बात को पूछा. How do you know he lives? आपको कैसे पता कि वो जिंदा है? How do you know he lives? आपको कैसे पता कि वो जिंदा है? See, where is your testimony? आपकी गवाही कहाँ है? क्या है आपकी गवाही? कोई गवाही नहीं है. How do you know he lives? आपको ये कैसे पता कि वो जिंदा है? I'll give you a simple answer. मैं आपको एक सरल उत्तर देता हूँ. मैं जानता हूँ कि वो जीवित है क्योंकि वो मुझ में जीवित है. Hallelujah. Simple. ये आपकी गवाही है. लेकिन अगर आपके अंदर जीवित नहीं है तो आप गवाही नहीं दे सकते. अब आपने क्या साबित किया है? आई नो ही लिव्स बिकॉज ही इज अलाइव इन मी. मैं जानता हूं कि वो जीवित है क्योंकि वो मेरे अंदर जीवित है. आई डोंट नो अबाउट यू. आई डोंट नो अबाउट यू. मैं आपके बारे में नहीं जानता. बट आई नो. लेकिन मैं जानता हूं. मुझे निश्चय है. मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है क्योंकि वो मुझ में जीवित है. And you know, dear people of God, there is coming a day. आप परमेश्वर के लोग क्या आप जानते हैं एक दिन ऐसा है जो आने वाला है. There is a day coming. एक दिन आने वाला है. When the marketplace is going to be empty. जब ये बाजार खाली दिखाई देंगे. There will be no traffic on the street. और ये जो जाम लगता है जाम भी हमें नहीं दिखाई देगा. All the builders and the laborers, they will go silent. और जितने भी ये जो काम करने वाले लोग हैं ये सब चुप हो जाएंगे. There will be no one harvesting wheat. और ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उस चर कटाई करे उन खेतों की. Busy housewives will no longer be busy in the house. वो काम करने वाली महिलाएं जो घर में काम करती हैं वो और अब काम नहीं करेंगी. In all the courtrooms. और न्यायों की जगह पर. कचहरियों में. No more debates. और कोई वार्तालाप नहीं होगा. Work on earth is going to come to a standstill. और पृथ्वी पर वो कार्य का जो काम है वो रुक जाएगा. You know why? आप जानते हैं क्यों? I'll tell you why. मैं बताता हूं. Because the king is coming. क्योंकि वो राजा आने वाला है. The king is coming. क्योंकि वो राजा आने वाला है. The king is coming. वो राजा आने वाला है. Who is this king? वो राजा कौन है? Who is this king? वो राजा कौन है? Psalm 24. वो आई भजन संगीता 34. Psalm number 24. भजन संगीता 24. Verse number 5. पांचवा वचन. Who is this king? ये राजा कौन है? Lift up your heads, O you gates. No. Lift up your heads, O you gates. Hey, Fatako. Huh? Hey, Sanatan ke dwaro.
ऊंचे हो जाओ, क्यों? प्रतापी राजा प्रवेश करने वाला है। वो प्रतापी राजा कौन है? बोलिए, परमेश्वर जो सामर्थ्य है और पराक्रमी है, जो युद्ध में पराक्रमी है, ये है वो सेनाओं का यहोवा जो प्रवेश करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आगे फिर लिखा है, हे फाटकों सिर ऊंचा करो, सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, प्रतापी राजा प्रवेश करने जा रहा है। ये कौन है? सब लोग बोलिए, सेनाओं का यहोवा, वो प्रतापी राजा, वही प्रतापी राजा है। सब लोग जोर से बोले, सेनाओं का राजा, वही प्रतापी। एक और बार बोलिए, सेना, वही प्रतापी राजा है। और वो प्रतापी राजा केवल सारे संसार का या भूमंडल का नहीं, वो प्रतापी राजा मेरे जीवन का राजा है। हालेलुया, वो मेरे जीवन में वास करता है, वो मुझ में जीवित है, इसीलिए मैं जानता हूं, मुझे निश्चय है कि मेरा यहोवा, मेरा प्रभु यीशु जीवित है। हालेलुया। और आप जानते हैं क्या होने वाला है? You know who this king is coming for? और क्या आप जानते हैं राजा किसके लिए आ रहा है? He is coming for me. और वो मेरे लिए, हमारे लिए आ रहा है. He is coming for you. वो आपके लिए आ रहा है. Who is he coming for? वो किसके लिए आ रहा है? He is not coming for those who go to church. वो उनके लिए नहीं आ रहा जो कलीसिया जाते हैं. He is not coming for those who give offering. वो उनके लिए नहीं आ रहा जो भेंटे देते हैं। Some people say I give tithe, that is enough. और कुछ लोगों का ये मानना है कि मैं दशमांश देता हूँ, उतना काफी है। Some people think I have taken baptism, so I'll go to heaven. और कुछ लोगों का ये मानना है कि मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, इसलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा। Dear people of God, that is not going to take you to heaven. परमेश्वर के लोगों, ये सारी बातें आपको स्वर्ग नहीं ले जाएंगी। Some people think that their name is written in the church register, so they will go to heaven. और कुछ लोगों का ये मानना है कि जो चर्च की रजिस्टर है उनमें उनका नाम लिखा हुआ, इसलिए वो स्वर्ग जाएंगे। That is not going to happen. ये भी नहीं होगा। The book of Revelation says, प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है वो बताती है, On that great day of judgment, उस न्याय के दिन में, those whose names are written, वो जिनके नाम लिखे हुए हैं, in the Lamb's book of life, मेमने के जीवन की पुस्तक, they are going to enter into eternal rest. वही लोग उस अनंत जीवन को पाएंगे. So it doesn't matter if your name is written in the church register or not. इसलिए इस बात का कोई मायने नहीं कि कलीसिया के रजिस्टर में आपके नाम है या नहीं. Doesn't matter. इसका कोई मायना नहीं. What matters is your name written in the book of life. लेकिन जो बात बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपके नाम उस जीवन की पुस्तक में है या नहीं. The Bible says in Revelation, liars will not enter the kingdom of heaven. बाइबल इस बात को बताती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि झूठे लोग स्वर्ग के सिंहासन को नहीं पाएंगे. Deceivers will not enter the kingdom. और जो धोखा देने वाले लोग हैं वो उस राज्य में नहीं जाएंगे. Idol worshippers will not enter. और जो मूर्ति पूजक हैं वो भी उस राज्य में नहीं जाएंगे. It is only those who have a loving, living relationship with Jesus Christ. ये तो वो लोग हैं जो प्रभु यीशु के साथ एक प्यार का और एक रिश्ता, गहन रिश्ता बना करके चलते हैं, जीवित रिश्ता बना करके चलते हैं. प्रेमी रिश्ता, बोलिए मेरे पीछे, प्रेमी रिश्ता, जीवित रिश्ता, किसके साथ? यीशु के साथ. चर्च के साथ नहीं, यीशु के साथ. क्योंकि जिसका रिश्ता यीशु के साथ जीवित है, उसका रिश्ता चर्च के साथ जरूर जीवित रहेगा. जिसका रिश्ता यीशु के साथ एक प्रेमी रिश्ता है, उसका रिश्ता चर्च के साथ भी एक प्रेमी रिश्ता होगा. इट इज फॉर सच पीपल दैट जीसस इज कमिंग बैक. और इन्हीं लोगों के लिए यीशु मसीह वापस आ रहा है. प्लीज डोंट बी डिसीव्ड. आप धोखा ना खाएं. डोंट थिंक दैट बिकॉज यू टुक बैप्टिज्म यू विल गो टू हेवन. आप ऐसा ना सोचे कि मैंने बपतिस्मा ले लिया इसलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा. जीसस सेड, यीशु ने कहा, That day, उस दिन, many will come to me, बहुत से मेरे पास आएंगे, and they will say, और मुझसे कहेंगे, why am I not in heaven? मैं उस स्वर्ग में क्यों नहीं हूँ? Did I not heal the sick? क्या मैंने उन रोगियों को चंगा नहीं किया? Did I not raise the dead? क्या मैंने मुर्दों को जीवित नहीं किया? Did I not preach the gospel? क्या मैंने वचन का सुसमाचार का प्रचार नहीं किया? What did Jesus say? और यीशु क्या कहेंगे? I don't know you. मैं तुम्हें नहीं जानता. I don't know you. मैं तुम्हें नहीं जानता. Please leave. आप मेरे सामने से चले जाएं.
What does this mean? इसका मतलब क्या है? There are going to be many pastors who will not be in heaven. इसका मतलब यह है कि ऐसे कई अगवे होंगे जो स्वर्ग में नहीं पाए जाएंगे. पासवान. पासवान. There are going to be several bishops who are not going to be in heaven. और ऐसे कई bishop. bishops होंगे जो स्वर्ग में नहीं पाए जाएंगे. There are going to be many preachers who will not be in heaven. और ऐसे कई सारे प्रचारक होंगे जो उस स्वर्ग में नहीं पाए जाएंगे. अरे भैया अगर वो नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा? That is why I said it is only a living and a loving relationship with Jesus that is going to ensure you go to heaven. इसीलिए मैंने इस बात को बताया कि एक जीवित और प्रेमी रिश्ता प्रभु यीशु के साथ ही आपको स्वर्ग की ओर ले जा सकता है. That means obeying God's word. इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहें. Living according to God's word. वचन के अनुसार जिएं. Living in obedience to God's word. और वचन के प्रति आज्ञाकारी एक जीवन को जिएं. Loving relationship. और प्रेमी एक रिश्ता. What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? If you love me. अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं. Then you will. तब आप. मेरी आज्ञाओं को मानोगे. Where is the आज्ञाएं? और ये आज्ञाएं कहाँ हैं? If you have a name, John and D'Souza and Michael and Carmichael, these names will not take you to heaven. और यदि आपके पास यहुन्ना और ऐसे कई मसीही नाम हैं, ये सब नाम आपको स्वर्ग की ओर नहीं ले जाएंगे. You may have the name Masih and Massey and all this, but these names are not going to take you to heaven. और हो सकता है आपका नाम मसीह या मैसी हो, लेकिन ये बातें भी आपको स्वर्ग की ओर नहीं ले जाएंगी. It is only your relationship with Jesus Christ that will take you to heaven. लेकिन आपका रिश्ता यीशु के साथ कैसा है, यही बात आपको स्वर्ग की ओर ले जाएगी. And as pastor of this church, it is my responsibility to tell you black is black and white is white. और इस कलीसिया का पासवान होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं वो बातें जो सही हैं वो सही और जो गलत हैं वो गलत. You know why? Because one day. आप जानते हैं क्यों? क्योंकि एक दिन. Jesus is going to come to take me to be with Him. क्योंकि एक दिन यीशु आएगा मुझे ले जाने के लिए अपने साथ. Jesus said, "I go to prepare a place for you." और यीशु ने कहा, मैं तो जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक जगह तैयार कर सकूँ. And when I have finished, और जब मैं उस बात को खत्म कर लूँगा, I will come back. मैं वापस आऊँगा. And I will take you. और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा. With me. अपने साथ. So that you will be with me where I am. ताकि तुम मेरे साथ रहो जहां मैं हूं. So where is Jesus? और यीशु कहां है? He's in heaven. वो तो स्वर्ग में है. And so he's going to take me to be with him. और वो इसीलिए मुझे भी ले जाएगा अपने साथ उस स्वर्ग में रहने के लिए. And you know what's going to happen? और आपको पता है क्या होगा? There's going to be a grand procession. और वहां पर एक बड़ा जलूस निकलेगा. One more procession. एक और जलूस. And in that procession. और उस जलूस में. As that procession enters the gates of heaven. और जब वो जलूस उन स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ेगा. There are going to be happy faces that are going to line the hallways. और उस जगह को जो है मुस्कुराते हुए चेहरे घेरे हुए होंगे. Whose lives have been redeemed. वो जिनके जीवनों को छुड़ा लिया गया है. Broken homes that have been mended. वो घर जो टूट गए थे लेकिन उन्हें वापस से जोड़ा गया है. Those who from prison have been set free. वो जो बंदी थे लेकिन जिन्हें आजाद कर दिया गया है. Little children. वो छोटे बच्चे. And the aged. वो वृद्ध लोग. They will stand hand in hand. वो हाथ मिला करके खड़े होंगे. Those who were crippled. वो जो लंगड़े या लूले होंगे. Those who were blind, जो देख नहीं सकते. Those who were deaf, जो सुन नहीं सकते. Now they were restored, अब उनका जीवन फिर से वापस जोड़ दिया गया है. Those whose lives were ruined, जिनके जीवन पूरे बिगड़ गए थे. They now stand in garments of white, वो अब सफेद कपड़े पहने खड़े हुए. They will stand lining the hallways, वो पूरे उस जगह को घेरे हुए खड़े होंगे. That day you're going to hear the chariots rumble, और उस दिन आप सुनेंगे उस रथ की आवाज को. You will see a great marching throng, आप देखेंगे उस बड़े जुलूस को. And God's trumpet are going to be blown, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी. And that will signal the win of sin and evil, और वो इस बात को दिखा victory over sin and evil, और वो इस बात को दर्शाएगा कि किस प्रकार पाप के ऊपर और बुराई के ऊपर जय पा ली गई है. The heavenly choir is going to stand, और वो जो स्वर्गीय आराधक है वो खड़े होंगे. The choir is going to welcome this procession, और वो आराधक खड़े होकर के इस जुलूस का स्वागत करेंगे. And the song that they are going to sing, और वो गाना जो वो गाएंगे, will be called amazing grace, और वो गाएंगे अद्भुत अनुग्रह. How sweet the sound, वो कितना सुंदर आवाज है, that saved a wretch like me, ताकि मुझ जैसे भी
अपनी एक पापी को जिसने बचा लिया. I was once lost. मैं तो एक बार खो गया था. But now I am found. लेकिन अब मुझे पा लिया गया है. I was blind. मैं पहले तो अंधा था. Now I can see. लेकिन अब मैं देख सकता हूँ. I was in darkness. मैं पहले अंधकार में था. But now I am in the light. लेकिन अब मैं ज्योति में हूँ. And all of this is made possible. और ये सारी बातें इसी द्वारा संभव हुई. Because of the cross. उस क्रूस के द्वारा. It was because of the cross. क्रूस के द्वारा. It was because of the resurrection. पुनरुत्थान के द्वारा. The resurrection of Jesus Christ. यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा. That I stand saved. ताकि मैं खड़ा होता हूँ उद्धार पाया हुआ. Delivered. छुटकारा पाया हुआ. And healed. और चंगा किया गया. You see, this is the blessed hope that I have. यही वो आशीषित आशा है जो मेरे पास है. My faith is not restricted to this earth. मेरा विश्वास इस पृथ्वी तक नहीं है. It is not limited to this earth. वो यहाँ तक सीमित नहीं है. But my faith goes beyond this earth. लेकिन मेरा विश्वास तो इस पृथ्वी के भी पार जाता है. It goes beyond this life. और वो इस जीवन के भी परे है. It goes to a future that God has prepared for me. और वो यीशु ने जो मेरे लिए भविष्य तैयार किया है, ये विश्वास उस ओर जाता है. And that future is an eternal future. और वो जो भविष्य है, वो एक अनंत का भविष्य है. Not only are we going to be with Jesus. ना केवल हम यीशु के साथ होंगे. But we are also going to be like Jesus. हम तो यीशु के समान भी हो जाएंगे. Hallelujah, hallelujah. We are going to see Jesus face to face. हम यीशु को आमने सामने देखेंगे. We are going to meet with all the apostles. हम सारे चेलों को मिलेंगे. We are going to meet all the Old Testament characters. हम सारे नए नियम के जो लोग हैं वहाँ से उनसे मिलेंगे. And we are going to be in that heaven which Jesus has prepared for us. और हम उस स्वर्ग में यीशु के साथ रहेंगे जिसकी तैयारी उसने हमारे लिए किया है. Hallelujah. Would you stand with me, please? आप मेरे साथ खड़े हो जाएं. My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, if the resurrection of Jesus Christ were not a reality, अगर यीशु का पुनर्स्थान एक वास्तविकता ना हो, if it was not a true event, अगर वो एक सच्चाई नहीं है, then like Paul said in 1 Corinthians, और तब जो पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों में, he said if Christ is not risen, आग उसने कहा यदि यीशु जिंदा नहीं हुआ, then your faith is in vain. तब आपका विश्वास बेकार है. And you are still in your sins. और आप अभी भी अपने पापों में हैं. But after that, Paul says. लेकिन इसके बाद पौलुस कहता है. But now Christ is risen from the dead. अब यीशु जिंदा हो गया है मरे हुओं में से. वो जिंदा हो गया है. वो जीवित है. Hallelujah. The apostle said that we are witnesses to these things. और ये चेला पौलुस कहता है कि इस बात की गवाही हम खुद हैं. Hundreds of people saw Jesus after he rose. कि कई लोगों ने, सौ से ऊपर के लोगों ने यीशु को देखा. There are many witnesses in those days. और बहुत सारे गवाह हैं उन दिनों के. That is why the resurrection of Jesus can never be denied. इसीलिए यीशु के पुनरुत्थान का इनकार नहीं किया जा सकता. Yes, my friends. Jesus is truly alive. मेरे मित्रों, यीशु सच में जिंदा है. And his spirit lives within me. और उसका आत्मा हमारे अंदर है. And the word teaches me. और वचन हमें ये बताता है. That the same spirit that rose Jesus from the dead. कि वो आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया. It is that same spirit that is working within me. वही आत्मा मेरे अंदर भी कार्यरत है. If I allow the Spirit to work, अगर मैं उस आत्मा को आज्ञा दूं कि वो मेरे जीवन में कार्य करे, dear people of God, परमेश्वर के लोगों, what is it that you know? आप वो क्या है जो जानते हैं? Do you know that you're going to heaven? क्या आप जानते हैं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं? You have heard about it. आपने इस बारे में सुना तो है. You have read about it. आपने इसके बारे में पढ़ा भी है. But can you say मुझे निश्चय है? क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि मुझे निश्चय है? Can you say it from the bottom of your heart? मुझे निश्चय है that I will go to heaven. क्या आप इस बात को अपने दिल की गहराई से कह सकते हैं कि मुझे निश्चय है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या जाऊंगी? If you do not have that conviction, अगर आपके पास ये निश्चय नहीं है, this morning or this afternoon I invite you. मैं आपको इस दोपहर को आमंत्रित करता हूँ. I want to invite you. मैं आमंत्रित करता हूँ. To invite this Jesus into your life. ताकि आप इस यीशु को अपने जीवन में आने का आज्ञा दें. That this resurrection
resurrected Lord, ताकि ये पुनरुत्थान जो परमेश्वर है, this living Jesus, ये जिंदा परमेश्वर यीशु, can come and live in your life, आपके जीवन में आ सके और ना केवल आए लेकिन आपके अंदर जी सके, because only when he is living within you, क्योंकि जब वो आपके अंदर जी रहा है, will you be able to enter your eternity? तभी आप उस अनंत जीवन को पा सकते हैं. There is no other way to heaven. और स्वर्ग का कोई और दूसरा मार्ग नहीं. The only way to heaven is Jesus Christ. और स्वर्ग का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह. He said, I am the way. उसने कहा, मैं ही मार्ग हूँ. I am the only way. मैं ही वो सिर्फ एक मात्र मार्ग हूँ. There is no other way. और कोई रास्ता नहीं. And that is the same thing that we declare to you today. और इसी बात की घोषणा आज की दोपहर हम आपसे करते हैं. That Jesus is alive. कि यीशु जिंदा है. He is alive. वो जिंदा है. He is alive. वो जिंदा है. He wants to be alive in you. वो आपके अंदर भी जिंदा होना चाहता है. As every eye is closed. जबकि सारी आंखें बंद हैं. I want you to lift your hands to heaven. मैं चाहता हूं कि हम सब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं. Nobody looking here or there. कोई भी इधर-उधर ना देखे. But I want you to make a confession this morning. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात को आज की शाम का अंगीकार करें. If you do not have that conviction. अगर आपके पास ये निश्चय नहीं है. Then you invite Jesus. तब आप अपने जीवन में यीशु मसीह को आमंत्रित करें. All you need to do is just say, Jesus. आपको सिर्फ ये करना है कि ये कहें, यीशु. Forgive me. मेरे मुझे क्षमा करें. Forgive me of my sins. मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा करें. Make me new. मुझे एक नया सृष्टि बना दें. And then come into my life. मेरे जीवन में आ जाएं. Be alive in my life. मेरे जीवन में जिंदा हो जाएं प्रभु. Come live in me. प्रभु आए और मेरे अंदर रहें. And may you be glorified in me. और होने दे आपका महिमा मेरे द्वारा होने पाए. And if you pray that prayer. अगर आप इस प्रार्थना को कर रहे हैं. Then trust me, Jesus will definitely and certainly come and he will make his dwelling place. मेरा विश्वास माने कि सच में यीशु आपके जीवन में आएगा और अपना रहने का स्थान आपके जीवनों में बनाएगा. And so as your eyes are closed. और जबकि आपकी आंखें बंद हैं. And as your hands are lifted up to heaven. और जबकि आपके हाथ स्वर्ग की ओर उठे हैं. Just go ahead and give a response. To the Spirit this morning. और होने दे आप आज की शाम आत्मा जैसे आपका अगुवाई करे वैसे परमेश्वर से प्रार्थना और उसका आराधना करें. Give your response to the Father. आप अपने उत्तर को परमेश्वर को दें. What you have heard today. आपने जो कुछ आज सुना. I don't know what your Spirit has heard. मैं ये नहीं जानता कि आपकी आत्मा ने क्या सुना. But whatever your Spirit has heard. लेकिन जो कुछ भी आपकी आत्मा ने सुना. Just give a response to Jesus. आप यीशु को उसका उत्तर दें. Come on, go ahead, lift your voices. आइए हम अपनी आवाजों को उठाएं. And give your response. और यीशु को उस बात का उत्तर दे. हालेलुया.